नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका मकसद देश के सामान्य निवासियों की पहचान का डाटाबेस बनाना है। उन्होंने स्पष्ट इस बात को भी किया कि NPR किसी भी तरीके से NRC से कोई संबंध नहीं है इसका। आखिर क्या कुछ मायने हैं इसके, NPR बनाने में क्या कुछ चीज़ें खास रहेंगी? हमारे साथ आज चर्चा में जो खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं MK अग्रवाल जी, जाने माने अर्थशास्त्री, और सिद्धार्थ कलहंस जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल जी, हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं इसको, राष्ट्रीय जो जनसंख्या रजिस्टर है, क्या कुछ मायने हैं इसके, इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, और इस बार जो आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके क्या कुछ आगे मायने होंगे, कितना ज़रूरी है ये? देखिए, पहली दफ़े भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में प्रारंभ किया गया था, और उसका बहुत सामान्य उद्देश्य तब भी था, आज भी है। उसका उद्देश्य था कि परिवारों का एक डेटा बैंक तैयार करना, सामान्य तौर पर उनका डेटा बैंक तैयार करना, और उसी से अगले जनगणना के लिए, जैसे 2010 में जब प्रारंभ हुआ था, तो 2011 के लिए हाउस लिस्टिंग करना कि पता चले कहाँ कहाँ का हाउस हैं, जिससे बाद में जो डेटा कलेक्ट करने आए जनगणना के लिए, वो जनगणना के डेटा इकट्ठा कर सके। इसके बाद 2015 में फिर से इसको जो है रिपीट किया गया, अपडेट किया गया है, और उसी क्रम में ये तीसरी दफ़े अब 2020 में प्रस्तावित है। अप्रैल 2020 से लेकर के सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में सभी सामान्य परिवारों के डेटा रिकॉर्ड किए जाएंगे और हाउस लिस्टिंग की जाएगी, ताकि 2021 की जो जनगणना होनी है भारत में, भारत में जनगणना लगभग आप कह सकते हैं 140 वर्ष होने को आ गए, तो उस जनगणना की तैयारी के रूप में भी इसको दे सकते हैं। मैं इसे बता दूँ कि ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की सूचना की आवश्यकता होगी उसमें है व्यक्ति का नाम और जो घर का मुखिया है उससे क्या संबंध है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम होगा इसमें, पत्नी का नाम या पति का नाम जो शादीशुदा होंगे और किस जेंडर के हैं वो होगा, जन्म तिथि और उनका क्या है, शादी की स्थिति क्या है, उस पर विवाह की स्थिति, कहाँ उनका जन्म हुआ है और प्रेजेंट एड्रेस क्या है, जहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर कब से रह रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, और उनका जो है क्या एजुकेशन है, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, यानी कि एक सामान्य सूचना ये ली जाती है, जिसके आधार पर एक रजिस्टर तैयार होता है। और रजिस्टर तैयार करने का एक मकसद ये भी होता है कि अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से सरकार का विकास की योजनाओं में लगातार भूमिका बढ़ती चली जा रही है, तो उनको पता होना चाहिए कि किसको हमें क्या लाभ देना है, किस प्रकार से हमें देश के विकास को आगे ले जाना है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ब्रिटिश काल से जो जनगणना चली आ रही थी, अब तकनीक के आधार पर गणना की जाएगी। आपको लगता है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को जो मंजूरी दे दी गई है, इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही गई है, उसके फायदे आप क्या कुछ देखते हैं? देखिए, 2010 में जब पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे पहले जनगणना, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर MK अग्रवाल ने, 140 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारे यहाँ जनगणना कराए जाने के। उस जनगणना जो अब तक होती रही है, उसमें कुछ फीसदी दोहराव होता था, या एक ही व्यक्ति की गणना मल्टीपल स्थानों पर हो जाती थी, या कुछ लोगों के छूट जाने का एक वो होता था। फिर जब 2010 में NPR जो आज दोबारा कराए जाने की बात हुई है, जो कैबिनेट ने पास किया है, जब ये आया तो इसका एक बड़ा तात्पर्य यही था कि जो जनगणना है वो एक्यूरेट हो, क्योंकि आप किसी भी तरह की, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सरकारी योजना को जो लाभ देते हैं, जब भी आप किसी तरह की सरकारी योजना को बनाते हैं, तो आप ये, आपके पास जो डेटा बैंक होता है वो ये बताता है कि हमारे देश में अमुक क्षेत्र में जो कि सूखा प्रभावित है, वहाँ पर इतने लोग रहते हैं। अगर वो संख्या सही नहीं होगी तो ना तो योजना का लाभ सही तरीके से मिल पाएगा, ना योजना का आकार सही तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा। तो NPR जो है वो NPR एक तरीके से, जिसे कहते हैं कि जनगणना होने से ठीक पहले, वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा फाउंडेशन जो है वो तैयार कर देता है। इस NPR में अगर मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैं अब कानपुर चला जाता हूँ,
हम एनपीआर में आपने संभवतः बताया कि हमारा निवास अवधि कब से कब तक है, 6 महीने से पहले से रह रहे हैं, क्या अगले 6 महीने हमको यहाँ रहना है? ऐसा तो नहीं है कि हम 3 दिन के लिए कानपुर गए हैं और हम 3 दिन में एनपीआर में रजिस्टर हो जाएं, जनगणना में हम सीधे रजिस्टर हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को तकनीक के माध्यम से, जो अब आपने देखा होगा जो इनुमरेटर आते हैं, हैंडहेल्ड मशीन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि उनके पास वो सारी चीज़ें किस तरीके से वो करेंगे, वो एक सर्टेन नंबर कुछ 100 लोगों से या इनकी संख्या वो एक मास्टर मशीन से जुड़ी होगी, यानी आंकड़ों की जो फीडिंग होगी क्विक होगा और कोई भी व्यक्ति कभी भी बैठकर यह जान सकता है कि लखनऊ के इस मोहल्ले में इतने ड्वेलिंग यूनिट्स, इतने उनमें लोग रहते हैं, उनके पेरेंट्स ये हैं, वो सारी जानकारियां हो जाती हैं। तो एनपीआर जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना, जनगणना को ज़्यादा वैज्ञानिक प्रामाणिकता देते हुए, ज़्यादा एक्यूरेसी देते हुए और सरकार के सामने एक पूरा खाका प्रस्तुत करता है। जब 2010 में, आज कुछ नहीं है, आप एनपीआर को लेकर जब 2010 में आया था तो शायद आपको याद होगा ग्रामीण इलाकों में ये कहा जा रहा था कि भ्रांतियां थी कि अपने घर में ये ना बताओ वरना ये सरकार दे देगी, लेकिन उसके बाद जब 2005 में जब इसको दोबारा, बिल्कुल हमको लग रहा है कि उसके बाद जो 11 की जनगणना हुई उससे वही आधार था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, आप देखें उससे लोगों को लाभ, उसका असर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि उज्ज्वला योजना, अब उज्ज्वला योजना के लिए हमारे पास एक काफी कुछ मुकम्मल, मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं कि 2010 में पहली बार हमने एनपीआर किया था और सारी चीजें उससे हमको पता ही चल गई, कुछ चीजों कमियां रह गई होंगी, वो कमियां इस बार दूर होंगी और अब जो हमारी 2021 की जो जनगणना होगी वो 2021 की जनगणना के बाद कम से कम सरकार के पास एक जो डाटाबेस तैयार करने की बात कही गई है नियर आधार होगा, नियर एक्यूरेट होगा और उससे बहुत सारी चीजों में सरकार को सहूलियत होगी और जनता को भी सहूलियत होगी, जनता को भी चीजों का लाभ पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। डॉक्टर साहब, आजादी के बाद से जब हम जनगणना करा रहे हैं तब से लेकर अब तक इस जनगणना के सफर करने में क्या कुछ हमको दिक्कतें आई, और जब हम अब तकनीक का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे हमको क्या कुछ आसानी होगी? देखिए, पहला तो ये, जब 1951 में आजादी के बाद पहली जनगणना हुई थी तो पाकिस्तान अलग हो चुका था, बांग्लादेश का पोर्शन अलग हो चुका था, तो अगर सोचिए वो जनगणना नहीं होती तो उस समय के नीति निर्माताओं को ये नहीं पता होता कि हमारी आबादी ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है। जैसे आज हमको पता है कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटियों को और पढ़ाओ, बेटियों को और बढ़ाओ, तो ये हम कहाँ से करते अगर हमें पता ही नहीं होगा अपने लोगों घर के बारे में। अगर जैसे घर का हमें पता ना हो तो हम क्या रणनीति बनाएंगे? अब 2011 में आते हैं सीधे क्यों से तमाम सफर तय किया, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन 2001 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन उस समय बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पर कंप्यूटराइजेशन था, मैंने उनकी लैब देखी। तो अब 2011 में बहुत एडवांस किया, उसके बावजूद उनको 4 साल लग गया डेटा पर वो लाने में, प्रॉपर डेटा लाने में। इस बार जो कर रहे हैं, जैसा अभी हमारे मित्र बताया जो है कि अब जो होगा वो टैब लेकर के चलेंगे, एक तरह से छोटा कंप्यूटर कह लीजिए, ऑनलाइन होगा और उस ऑनलाइन डेटा जो फेड करेंगे वो मास्टर कंप्यूटर में तुरंत ट्रांसफर होता चलेगा। यानी कि जनगणना की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी आप विद इन 30 डेज प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आज देखिए, ठीक है, योजना किस पार्टी की थी उससे मतलब नहीं है। अभी मान लीजिए चुनाव के पहले एक किसानों को कुछ आमदनी देने की बात आई कि 6,000 रुपये वार्षिक उनको दिया जाएगा, गरीब किसानों को, छोटे किसानों को। अगर हमारे पास डेटा बैंक नहीं होता उनको कैसे इतना क्विकली 2 महीने के अंदर वो ट्रांसफर हो पाता? इसी प्रकार से उज्ज्वला का जैसे अभी जिक्र आया कि उज्ज्वला अगर हमारे पास नहीं होती, अगर डेटा बैंक नहीं होता, क्योंकि 2011 में हमने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि किन घरों में गैस का चूल्हा है, किन घरों में रसोई है, किन घरों में पीने का पानी की सुविधा कहाँ से है, किनका मकान कच्चा है, किनका झोपड़ी है, फर्श पक्की है, कच्ची, इस तरह तमाम सूचनाएं वहां पर इकट्ठा हुई थी। लेकिन उसका हम पूरा उपयोग इसलिए नहीं कर पाए तब भी क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने में देरी हो गई, कलेक्ट कर लिया उसको टेबलेट करके प्रॉपर प्रोसेस लाने में देरी हो गई। तो इसलिए इस बार रणनीति यह है, हाउस लिस्टिंग जैसा आपने सिद्धार्थ जी ने बताया, हाउस लिस्टिंग प्रोसेस है कि यहाँ पर इतने परिवार हैं इनकी गणना होनी, यानी कि जो जाएगा अब डेटा कलेक्ट करने उन घरों से पुनः सत्यापित करके
डेटा लाएगा कि इनके घर में क्या है। मान लीजिए पीने का पानी नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2022 तक 24 तक सबको जो है पाइप वाटर देना है, चाहे किसी भी भाग में भारत के हो। अगर हमको ये पता ही नहीं होगा कि उस गांव में पीने के पानी का है घर में या नहीं है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? हम तो ये मान लें अधिकारी बता देंगे, नहीं साहब वहां तो सब ठीक है, लेकिन जब जनगणना आएगी जिसमें सरकारी अधिकारियों का रोल नहीं के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारे पास तुरंत डेटा होगा। पहली सबसे बड़ी चीज होगी कि सबको पक्का मकान, सबको पीने का पानी, टॉयलेट के लिए कहा जा रहा है सैचुरेट हो गया, फिर भी यदि कमी रह जाती है इस जनगणना से हमको पता चलेगा, तो उनको इन हाउस टॉयलेट, किन घरों में बच्चे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, या अभी भी 7 साल का 8 साल का बालक बालिका स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमको अगर 2021 में जो जनगणना होगी 2022 मार्च तक पूरी सूचना प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसे में सोचिए विकास को हमको बहुत तेज ले जाना होगा। और जब हमारे पास तकनीक है, आपने तकनीक से बात शुरू की, तो जब इतनी दूरगामी तकनीक है, इतनी द्रुत गति की तकनीक है, तो हम उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिए क्यों ना करें। कोई भी हो, कोई पिछड़ा क्यों रहे, क्योंकि पिछड़ा वो परिवार नहीं है, पिछड़ा राष्ट्र होता है, तो वो राष्ट्र पिछड़ा क्यों रहे, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये लोगों को समझना चाहिए कि अच्छी सूचना अच्छे विकास का आधार। बिल्कुल सही सूचना होगी। सिद्धार्थ जी ये बताएं, जैसा कि अभी INV मिनिस्टर ने साफ किया है कि NPR और NRC का कोई मतलब नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, कहीं ऐसी कोई भ्रांतियां तो नहीं लोग फैलाने की कोशिश करेंगे, ये किस तरीके से अलग है NPR और NRC? ये राजनीति के वश कुछ लोगों ने तुरंत ही इस तरह की बात कही, और उसका आधार ये लिया कि इसमें दो चीज़ें पेरेंट्स और वो नहीं पूछी जा रही हैं। देखिए आप आज 2001 का कंप्यूटर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं। आप जो टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आज भी आज के आपके पास क्या 2000 सन 2000 का फोन है? जनरेशन चेंज हो रही है, गैप दर गैप, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अपडेशन आ रहा है। NPR जो है, जब NPR लाया गया, क्या उससे पहले जनगणना नहीं होती? जनगणना तो होती थी, फिर NPR की जरूरत क्यों पड़ी? NPR की जरूरत इसलिए पड़ी कि उसको फर्दर एडवांस करते हुए, उसको साइंटिफिकली टैबुलेट करते हुए और एक एक्यूरेट चीज निकाली जाए। तो हर बार NPR में, इस बार दो ही चीजें जुड़ी, मान लिया अगली बार 5-6 चीजें और जुड़ जाएंगी, ये भी पता किया जा सकता है कि आनुवांशिक बीमारी आपके यहाँ कौन सी है, ये भी पता किया जा सकता है कि आपके यहाँ डिफिशियंसी किस चीज की है, तो उससे सरकार को और ज्यादा एक्यूरेट मालूम होगा कि मैं अगर किसी एक क्षेत्र विशेष में रहता हूँ, उस क्षेत्र विशेष में अधिकांश लोगों को अगर खून की कमी हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको लेकर सरकार काम भी कर सकती है। तो ये इस तरह का देहात में कहावत है कि एक उसे कुछ लगा था और कुछ खोद गया, वो वाली बात है। NPR और NCR दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। NCR टॉक्स विद सिटीजनशिप, और NPR वो एक इंडिविजुअल के ड्वेलिंग प्लेस से लेके उसके बारे में ली जाने वाली जानकारी है। ये कोई प्रमाण पत्र नहीं देता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे देता है कि आप फलाने हैं। ये एक आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाने का एक जरिया है। अब आपने अभी कहा, डॉक्टर साहब ने भी इस बात की तरफ जिक्र किया, आपको याद होगा कि अक्सर हम लोग अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, एक फंड होता है BRGF, बैकवर्ड रीजन गारंटी फंड जो है, तो अब अक्सर खबरें आती हैं कि BRGF के फंड को स्टेडियम बना दिया गया या उसका दुरुपयोग हो गया। सवाल यह है कि ये जो फंड होता है, इसकी एक व्यवस्था है सरकार के पास, सरकार उसके आधार पर अलग अलग राज्यों को दे देती है। अब हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने इस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई जानी चाहिए, और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हैं या झारखंड में कम हैं, लेकिन धन देने की व्यवस्था है। बिल्कुल। वो आबादी के हिसाब से बांट दिया जाता है, तो कुछ लोगों के पास अनयूटिलाइज पड़ा रह जाता है। NPR जैसी चीज़ें बहुत सी एलोकेशंस को, बहुत से एलोकेशंस को मॉडिफाई कर देती हैं। मान लिया लखनऊ शहर के एक विकसित मोहल्ले में टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो टॉयलेट्स के लिए फंड वहाँ क्यों आना चाहिए, वहाँ पर उसकी जगह किसी अन्य चीज़ के लिए फंड आना चाहिए, या कोई जगह स्कूल से सैचुरेट है तो स्कूल के लिए वहाँ पर फंड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए या स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं
तो किसी और अन्य चीज के लिए, वो एक मॉडिफिकेशन का काम करता है। ये आपको जरूरत सिद्ध करेगी कि कहां पे आपको पानी की जरूरत है, कहां पे स्वास्थ्य की जरूरत है, कहां पे कोई इंडस्ट्रीज की जरूरत है। एनआरसी और एनपीआर दोनों सर्वथा विपरीत चीजें हैं, 180 डिग्री उन दोनों में फर्क है। उन दोनों को एक साथ ले आना, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि कल को हो सकता है कि अगर एनआरसी जैसी कोई चीज होती है इस देश में या उसकी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो इस नहीं, इस जैसी तमाम सारी चीजों का उपयोग किया जा सकता है। भाई वो तो कई कई मामलों में आप, मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ कि आपके लिए तो और प्रमाणित करना आसान हो जाएगा, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है वो हम दर्ज हुए हैं, भाई हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं, कंप्यूटराइज डेटा है, तो इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसको एनआरसी के साथ मिक्स करके देखा जाना चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, जब हमने 2010 में जब एनपीआर आया है तो उस समय एक लंबी वो हुई थी कि साहब इसकी जरूरत कैसे है इस देश को और क्यों अभी तक नहीं था, अब आता है तो इसको लगातार हम जो है वो कैसे अपडेट करेंगे, जिसके बाद 2015 में हमने अपडेट किया उसको, हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसको और क्विकली अपडेट करें। और अब अपडेट करना इसलिए आसान हो जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब चीजें कंप्यूटराइज हो जाती हैं तो जैसे आपका आधार बन जाता है, फिर आप उस आधार में बनते समय तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है कि आपको जाना पड़ता है वहाँ, आपकी फोटो होती है, फिर वो आपका अंगूठा और ये वो, उसके बाद लेकिन जब आप उसको एड्रेस चेंज कराना है आपको या नाम की स्पेलिंग आपको बदलनी है या कुछ भी करना है, वो काम आपका कितनी आसानी के साथ होता है, क्यों? क्योंकि आपका सारा डाटा एक जगह कंपाइल है, एक मास्टर सर्वर के पास आपकी जानकारियां सारी हैं, या उस आधार के के आधार पर आप तमिलनाडु में भी चले जाते हैं तो आपके डेटा के लिए आपको उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आपको इतने सारे कागज लाद के नहीं ले आने पड़ते, आपको कोई गारंटर नहीं लाना पड़ता है। तो एनपीआर इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, इसमें ये जो योजना आ रही है इसमें क्या एकल पहचान भी आदमी की रहेगी, कि जैसे पहले की जनगणनाओं में होता था कि एक व्यक्ति की चार जगह पहचान हो गई, उसका चार जगह नाम दर्ज हो गया, क्या कुछ इसमें तकनीक में ऐसी भी तकनीक रहेगी कि सिंगल आइडेंटिटी मिल जाएगी कि आपने यहाँ बताया है तो अगर आप दूसरी जगह हैं तो आपका नाम चिन्हित हो जाएगा कि आप वहाँ नौकरी करने गए हैं, रोजगार करने गए हैं, मिलने गए हैं, घूमने गए हैं, क्या कुछ इसकी पहचान इसमें संभव हो सकेगी? उसमें सामान्य तौर पर देखा जाएगा कि 6 महीने की अवधि कम से कम हो जहाँ आप रह रहे हो और अगले 6 महीने तक आपको उसी स्थान पर रहना है। क्यों? क्योंकि इसका जो लिस्टिंग होगी मकान का कि यहाँ पर ये है तो वो होगा अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच में, और जो जनगणना होनी है अगले 6 महीने अगले 6 महीने इसलिए अगले 6 महीने आप वहां पर रहेंगे तभी वो उस लिस्टिंग में शामिल होगा, वरना उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। पर्पस क्या है कि मान लीजिए आप अमीर हैं, गरीब हैं, जैसा सिद्धार्थ जी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि हर तरह के लोगों को हमें पहचान करनी है कि यहाँ पर इतने गरीब रह रहे हैं, यहाँ पर इतना साक्षरता नहीं, जब हमको पता चल जाएगा इस मोहल्ले में साक्षरता दर बहुत कम है और यहाँ पर साक्षरता पूरी है तो सरकारी स्कूल को वहां से वहां शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। क्यों हम वहां पर रखें स्कूल जहां पर कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो सब जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। इसी तरह से आप देखिए पानी पीने की समस्या, लखनऊ शहर को उठा करके देखिए, हो सकता है कि पुराने शहर में पानी की ज्यादा किल्लत हो रही हो, नए शहर में वो समस्या ना हो, तो हमें पानी के लिए एलोकेशन, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का एक अपना अंदाज होता है काम करने का, वो तो अपना चलता रहता है सरकारी उससे, लेकिन जब हमें एक क्रॉस डेटा मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए आज सीवर की प्रॉब्लम है, आज हमें ये प्रॉब्लम है, ये क्यों, कैसे ये हुआ, उज्ज्वला स्कीम कैसे आई, बिजली देने की स्कीम कैसे आई घरों को, फ्री कनेक्शन देने की बात कैसे आई, क्योंकि सरकार के पास 2011 का डेटा था और 2011 के बाद जब उनको लगा कि बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है, इसी आधार पर तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतने प्रतिशत हाउस होल्ड जो है तो वहाँ बिजली है, इतनों के यहाँ लैट्रिन है, इतनों के यहाँ नहीं है, तो उसको पूरा किया गया। आप क्या समझ रहे हैं, भारत का ये अगला दशक होगा, आप गौर से देखिएगा कि अगला दशक, राजनीति अपनी जगह है, अगला दशक विश्व के विकास पटल पर भारत का होने वाला है। अगर हमारे पास अपना डेटा नहीं होगा हम विकास कैसे कर सकेंगे? आप इस तरह सोचिए, आज क्यों भारत के पीछे तमाम देश है, भारत के पीछे क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक आर्थिक ताकत उभर रही है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन जो भी हो इस समय, उसको लेकर के एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ा मार्केट के साथ साथ हमारे यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, तो विश्व में कुछ भी हो अगर हमारे पास प्रॉपर होगा, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आप सोचिए परिवार गरीब नहीं,
क्योंकि ज्यादातर गरीबी क्यों आ रही है? कुपोषण के कारण। हमको पता होगा कि इनका व्यवसाय बहुत हल्का है, तो हम वहां पर उस हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। इनके यहाँ रहने का स्थान अच्छा नहीं है। अब पता लगा कि मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉपर डेटा ना होता, क्या हाउस का अलॉटमेंट हो सकता था जो गरीबों के लिए किया गया? नहीं हो सकता था। बिजली का कनेक्शन हो सकता था? नहीं हो सकता। इसका हस्त भी वही होता जैसे बीपीएल कार्ड का। याद करिए सिद्धार्थ जी, बीपीएल कार्ड के साथ दुर्घटनाएं क्यों हुई? ऐसा नहीं सरकार की नियत में खोट था उस तत्कालीन सरकारों की, उत्तर प्रदेश की। उसकी वजह थी कि हमारे पास प्रॉपर आधार नहीं था डेटा का, तो निचले स्तर पर जिसने जो किया सरकार को मानना पड़ा, अल्टीमेटली वो स्कीम फ्लॉप कर गई। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास जानकारी हो, कि ठीक वैसे ही जैसे हमारे बैंक अकाउंट में कितना रुपया हमें अगर पता रहता है, हम उसी हिसाब से खर्च करेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खासतौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जावड़ेकर जी ने भी कहा है कि आयुष्मान जैसी योजना में पहचान करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो लगता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा है कि जिस तरीके से योजनाओं के नाम पर पैसे बांटे गए, योजनाओं का लाभ दिया गया, उसमें ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए गए। देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उतना हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं कि जिन्होंने स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था। देखिए डिजिटलाइजेशन एंड डाटा, ये जो D2 है ये भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक अपने आप रोक देता है। जब हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा और डाटा डिजिटलाइज होगा और स्कीम्स का लाभ जो है वो डिजिटल तरीके से अगर दिया जाएगा, तो अपने आप भ्रष्टाचार बहुत हद तक रुक जाता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, अब आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनने की एक प्रक्रिया है, अस्पताल में लोग जाते हैं, या अब जो राशन कार्ड के मामले में लगातार जो है ई पॉस मशीनें भी आई हैं, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी भी शुरू हो रही है। अब भी जब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ बनाने का सिस्टम शुरू हुआ, तो आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि कार वाला जो है वो बीपीएल कार्ड हो गया। जब कार वाले का डाटा, कार वाले का एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं है, तो कार वाला भी तो जाके बनवा लेगा। जब हमारे पास NPR के मार्फत और फिर जनगणना के मार्फत ये पता होगा कि अमुक व्यक्ति पक्के मकान में, इतने कमरों के मकान में, इस शिक्षा के साथ, इन सुविधाओं के साथ रहता है, तो उस सुविधा के व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड नहीं बन सकता है। इसलिए एक्यूरेट डाटा और डिजिटलाइजेशन ये अपने आप भ्रष्टाचार का जो की गंगा है उसका मुँह बांध देती है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है और इसलिए इसके विरोध की बजाय इसके इसमें सकारात्मक बदलाव सबके नहीं सुझाते लोग, और भी कोई नई चीज़ ऐड क्यों नहीं की जाती? इसके विरोध का सिद्धार्थ जी कारण क्या देखते हैं? जैसे बंगाल में जो विरोध हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, तो आखिर कारण एक होना चाहिए, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है, मैं समय के अनुसार हमको आर्थिक नीतियाँ हैं और हमको जो NPR की ज़रूरत पड़ी है, ये समय की ज़रूरत है। इसके बगैर जब आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, क्रियान्वयन नहीं हो सकता है योजनाओं का, तो फिर विरोध किस बात का होता है? दो कारण हैं, डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से जानते हैं, अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ हैं और लंबे समय से देख रहे होंगे। जब भी सरकारें अपने प्रदेश की खुशहाली का दावा करती थी, या जब अपनी योजना आयोग की जब रिपोर्ट भेजती थी प्लानिंग से, तो दोनों बड़े फर्क होते थे। ये बड़ी भयावह स्थिति बताते थे कि हमारे प्रदेश में तो ये चाहिए, वो ये कमी, वो ऐसा वैसा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमको मिल जाए। अब हो सकता है कि कुछ राज्यों को इस बात से दिक्कत हो कि उन राज्यों को होने वाले एलोकेशन में कमी आ सकती है। उन राज्यों में बहुत सारी चीज़ें अगर सैचुरेशन के लेवल पे हैं या आवश्यकता नहीं है, तो उन राज्यों को उस मद में मिलने वाले उस फंड में कमी की जा सकती है। एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरा कारण विशुद्ध राजनीतिक हो सकता है कि अगर इस समय एक मुद्दा विशेष पर जो विरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो गतिरोध बना हुआ है, इस गतिरोध में यह भी हो सकता है कि भी अगर कहीं महामारी फैल जाए तो उसका भी कारण बताया जा सकता है कि ये तो साहब जो है वो NCR की वजह से है, या NPR आने वाला है इस वजह से हो गया है। वरना अगर आप देखें तो टेक्निकली, और सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो सारे लोग जिन्होंने आज, हालांकि बहुत मामूली है, मैं एक दो लोगों को ही देख रहा हूँ कि इसके इसको उसके साथ लिंक करते हुए जोड़ बता रहे हैं जी, लेकिन वही सारे लोग 2010 में भी थे जी, वही सारे लोग 2010 में भी संसद में भी थे, और जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा था, अभी तो इसके इसमें कुछ ऐसा नया आया ही नहीं है, कोई नया ऐसी चीज़ नहीं गई है, बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है।
21 में जनगणना होनी है, 2020 में शुरू कर देना है, 6 महीने में पूरा करना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल हम आप ही के पास आएंगे, इसका उत्तर लेंगे जो सवाल अभी सिद्धार्थ जी ने उठाया कि आर्थिक विकास में इस जो एक्चुअल रियलिटी है जनसंख्या की वो कितनी खास मायने रखती है देश के लिए। देखिए सब कुछ जनसंख्या केंद्रित होता है, विकास का स्रोत भी वही है और विकास का लक्ष्य भी वही है। यानी कि गरीबी अगर हमें दूर करनी है, पता तो हो गरीब कौन है, हमें पता तो हो कि इनकी आवश्यकता क्या है। जैसे हमने कहा ना मकान, 2011 की जो जनगणना थी अगर उसको उठा करके देखिए तो जनगणना कम विकास का मॉडल ज़्यादा लगता है। तो अगर वो नहीं होता तो ये सरकारें क्या कर लेती, उनके पास डेटा नहीं होता, वो राज्यों से पूछती। अब राज्यों से बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसको लाभ देना है केंद्र को लाभ देना है, उनको रिसोर्स देना है, उस आधार पर दिया जाएगा। होता क्या है फिर इस तरह राज्य सरकारें में, जैसे अभी आपने कहा कि मान लीजिए कोई राज्य अपने को इसमें नहीं करता है, वो कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक ये राष्ट्रीय प्रक्रिया है। कश्मीर में नहीं हुआ था एक दो दफे जनगणना क्योंकि वहां पर बड़ी अलग तरह की परिस्थितियां थी और पॉलिटिकल स्टैंड लेना एक अलग चीज है। सोचिए जिस राज्य में आप पॉपुलेशन रजिस्टर या सेंसस नहीं होने देंगे, क्या उस राज्य को वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली राशि में कमी नहीं आएगी? क्या उस राज्य को दुनिया भर के जो लाभ मिलने हैं सरकारी योजनाओं के, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? नुकसान किसका होगा? राजनीतिक दलों का नहीं होगा, वहाँ की क्षेत्र की जनता का होगा। और जनता जनता होती है ना, किसी जात की होती है ना किसी मजहब की होती है, तो नुकसान किसका होगा? ये सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल से एक और चीज आपसे पहलू होता है, वो जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जाने की कोई भ्रम की स्थिति में ना रहे, लोग अपनी सच्चाई जो छुपाने की कोशिश करते हैं, ये आमतौर पे देखा गया है लोगों में कि अपनी सही एक्चुअल स्थिति नहीं बताते हैं। अब देखिए लोग तो डॉक्टर के पास भी कई दफे जाते हैं दवा लेने, वो नहीं बताते तो नुकसान किसका है? जी अगर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, अपना बात नहीं बताएंगे तो नुकसान किसका? नेशनल पॉपुलेशन, इसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई भ्रांति होनी नहीं चाहिए। सही जानकारी अपने संदर्भ में सही जानकारी दर्ज कराना व्यक्ति के परिवार के स्वयं के हित में है और देश के हित में है, उनका राष्ट्रीय दायित्व भी है। अधिकाधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकने के लिए भी हितकर होगा। जी बिल्कुल, सही जानकारी लोग दें, छुपाने की जरूरत नहीं है सरदार जी, ये बिल्कुल लोगों से हमें जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना किसी प्रकार की शंका रखने की आवश्यकता, ना ही किसी भ्रम में आने की जरूरत है, ना ही किसी अफवाह में पड़ने की जरूरत है। आज बिल्कुल हमारे पास समय इतना था, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का आभार धन्यवाद। तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सरकार ने जो प्रक्रिया चालू की है, इस प्रक्रिया में आप लोग जुड़े, सही जानकारी दें। आप सही जानकारी देंगे तभी आपके लिए सही अच्छी योजनाएं बनेंगी और आपके क्षेत्र का विकास होगा, नए भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल आज के कार्यक्रम में इसी उम्मीद के साथ बस इतना ही, नमस्कार।